आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओमेगा स्टडी ऑनलाइन पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं के लिए जो हिंदी का असाइनमेंट दिया गया है उसमें जो पांच क्वेश्चन दिए गए हैं, अपन पांचों क्वेश्चन का उत्तर इसमें डिस्कशन करेंगे। तो यदि वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह से नए नए असाइनमेंट का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए आपका पहला प्रश्न में एक पद्यांश दिया गया है जिसकी अपन को व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे संदर्भ। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं आपका संदर्भ, उसके बाद आपको लिखना होगा प्रसंग, फिर अपन लिख देंगे यहाँ पर देखिए व्याख्या, और साथ ही अपन लिख देंगे विशेष। तो इन सब बातों को आप लिख देंगे तो आपका उत्तर नंबर जो एक है जिसमें पद्यांश दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये है आपका उत्तर क्रमांक दो का। अब उत्तर क्रमांक जो दो है इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं, यानी उत्तर क्रमांक दो अ और उत्तर क्रमांक दो का बा। तो उत्तर क्रमांक दो अ का उत्तर देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि सूर्योदय के आनंद का चकवा चकाई, इस तरह से अपन उत्तर लिख लेंगे। उत्तर क्रमांक दो के बा का उत्तर देखिए यहाँ पर आप अपने असाइनमेंट में क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पर मिला लेंगे, ठीक है। तो पहले के बाद ये दूसरे का ये पहला क्वेश्चन का उत्तर और दूसरे का ये दूसरे प्रश्न का उत्तर। इस प्रकार से पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे उत्तर क्रमांक की ओर। ये है आपका तीसरा उत्तर क्रमांक जो कि आपका एक प्रश्न है जिसका उत्तर अपन को देना है। तो इस तरह से अपन उसका उत्तर लिख लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए अमरकंटक मैकाल पर्वत फेड़ी पर विशाल प्राकृतिक सौंदर्य, इस तरह से आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर क्रमांक तीन भी कम्प्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपके एक लाइक से हमें इसी तरह से नए नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। चलिए अब देखिए उत्तर क्रमांक चार। तो ये है आपका उत्तर क्रमांक चार का उत्तर। तो इस तरफ से आपको उत्तर क्रमांक चार का उत्तर यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर उत्तर क्रमांक चार क्या, देखिए अमरकंटक में जल कुंड है जो नर्मदा का उद्गम है। तो इस तरफ से आपको ये उत्तर बना लेना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए उत्तर क्रमांक जो पाँच है इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो पहला है आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र और दूसरा है चरित्र प्रमाण पत्र। तो पहला भाग है इसका ये उत्तर क्रमांक पाँच का पहला भाग जो कि आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र है। इस तरह से आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिख लेंगे वीडियो को रोक करके। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं उत्तर क्रमांक पाँच का जो दूसरा प्रश्न है ना जिसमें अपन को चरित्र प्रमाण पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको देख के लिख सकते हैं। इस तरफ से आपका जो क्वेश्चन नंबर एक से क्वेश्चन नंबर पाँच तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके असाइनमेंट में वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए इसी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे।